फिल्म डायरेक्टर संजय लीला बंसाली ने जो भारतीय इतिहास के साथ छेड़छाड़ कर विवादित पद्मावती फिल्म बनाई है वो हिमाचल प्रदेश में बैन होनी चाहिए। मंडी में पत्रकारों से बातचीत करते हुए सांसद रामस्वरूप शर्मा ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि फिल्म पद्मावती में भारतीय इतिहास के साथ छेड़छाड़ की कोशिश की गई है। रानी पद्मावती का गौरवशाली इतिहास रानी लक्ष्मीबाई की तरह है तथा उन पर की गई छींटाकशी किसी भी हद में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि कुछ तथाकथित इतिहासकारों ने सिकंदर को महान, अकबर को ग्रेट बताकर हमारे वीर योद्धा महाराणा प्रताप, शिवाजी, आचार्य चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य, गुरु गोविंद सिंह को इतिहास के पन्नों से गायब करके इन वीर योद्धाओं को हाशिए पर धकेलने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि भारतीय वीरों पर इतिहासकारों ने सही ढंग से पाठ्यक्रम में इनके बारे में सच्चाई बताई होती तो वर्तमान में इतिहास के पन्नों में अकबर, सिकंदर, अलाउद्दीन खलजी, हुमायूं और औरंगजेब इत्यादि गायब होते। उन्होंने कहा कि रानी पद्मावती का गौरवशाली इतिहास रहा है। उन्होंने कहा कि रानी पद्मावती का गौरवशाली इतिहास बताता है कि उन्होंने कभी भी खलजी के आगे घुटने नहीं टेके और हजारों वीरांगनाओं के साथ जौहर स्वीकार किया था। भारत की इन वीरांगनाओं पर प्रत्येक भारतीय को नाज है तथा जो भी फिल्म डायरेक्टर भारतीय इतिहास के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश करेगा उसे कभी माफ नहीं किया जाएगा। गत 7 वर्षों में कांग्रेस की ये नीति रही कि भारत के इस गौरवशाली इतिहास को किस तरह धूमिल किया जाए। स्वतंत्रता के बाद उन्होंने जो आक्रांता थे, जो देश को लूटने आए थे, उनको ग्रेट बनाया गया। अकबर महान बन गया, सिकंदर ग्रेट बन गया, औरंगजेब ग्रेट बन गया, और जो देश के लिए लड़े, जो देश के लिए उन्होंने प्राण निछावर कर दिए, उनके बारे में विषय गौण कर दिया। आज उसी का ज्वलंत उदाहरण आज देखने को मिलता है रानी पद्मावती, जिस पर जो फिल्म बनी है। मैं हिमाचल सरकार से प्रार्थना करता हूं कि उस पर बैन लगना चाहिए। रानी पद्मावती का गौरवशाली इतिहास पूरी भारत की वीरांगनाओं को, भारत की महिलाओं को प्रेरणा देने वाला इतिहास रहा है। उसको जो फिल्म में जिस दिन से फिल्माया जा रहा है, मैं चाहूंगा, मैं हिमाचल सरकार से अनुरोध करता हूं, जिस तरह अन्य प्रदेशों में रानी पद्मावती फिल्म पर बैन लगाया गया है, वैसा ही बैन हिमाचल प्रदेश में लगाया।